कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की होगी, कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं होगा। इसलिए दुनिया में सभी दमित वर्गों का सहारा है डॉक्टर अंबेडकर, कि मानव को ही यह सुविधा है कि वो मानव शरीर में रहते हुए भगवान बन जाए, बाकी किसी को यह सुविधा नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की होगी, कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं होगा। एक घटना और है इनके जीवन की, कि अपने पिताजी से गोरेगांव में मिलने जा रहे थे, तो पगाली से आगे, पगाली रेलवे स्टेशन से इन्होंने ट्रेन पकड़ी, अगले रेलवे स्टेशन पर ये उतरे और इनके पिताजी को शायद इन लोगों ने लेटर लिखा, वो लेटर इनके पिताजी को मिला नहीं। तो ये इन्होंने रेलवे स्टेशन रेलवे मास्टर से प्रार्थना की कि साहब हमको और हमारे भाई को पिताजी से मिलने जाना, और हमको क्लिप एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की जाए, कार्ट कार्ट की व्यवस्था की जाए। तो स्टेशन मास्टर ने व्यवस्था कर दी। अब वो जो कार्ट वाला था, बैलगाड़ी वाला, वो इन लोगों को लेकर चला। रास्ते में उसे पता चला कि ये दलित हैं, ये महार हैं, अनटचेबल हैं। उसने दोनों लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया, और जो भी फेंका गया, जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, ये घटना बड़ी प्यारी है कि जो भी समाज में बाहर फेंका गया, चाणक्य, गांधी, अंबेडकर, फेंके तो लोग डेली जा रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं पता है। जो भी दलित है, जो भी सप्रेस्ड है, जो भी दलित का किसी जाति विशेष से लेना देना नहीं है, डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी फेंका गया वो जागृत हुआ। अगर वो जागा कि मैं इसलिए फेंका गया, फिर उसने बड़ा नाम किया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना की, फिर डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और मानवता, गांधी जी ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। अंबेडकर कहते थे रहो भूखे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अंबेडकर एक मानवतावादी व्यक्ति हैं, उदार, गांधी जी का सम्मान किया, इज्जत किया, हिंदू धर्म का सम्मान किया, इज्जत किया, और पूना समझौते पर दस्तखत किया। कोई दबाव नहीं था, ब्रिटिश सत्ता उनके साथ खड़ी थी, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रलोभन नहीं था। यह बात हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। इसलिए दुनिया में सभी दमित वर्गों का सहारा है डॉक्टर अंबेडकर। डिग्निटी, हर व्यक्ति, जैसे मैं बहुत लोगों को मना करता हूं, भैया सेल्फी मत लिया करो, भैया सबका पैर मत छुआ करो, पैर छूना बहुत अच्छी बात है, पर जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। इंसान होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जीव होना नहीं, इंसान। अपने घरों में सुना होगा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो इसीलिए कि मानव को ही यह सुविधा है कि वो मानव शरीर में रहते हुए भगवान बन जाए।
जानवर को यह सुविधा नहीं है, वृक्ष को यह सुविधा नहीं है, बाकी किसी को यह सुविधा नहीं है। इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन। सिद्धार्थ से बुद्ध, वर्धमान से महावीर, नरेंद्र से विवेकानंद, डिग्निटी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप कहते, आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती? आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी डिग्निटी की चिंता ही नहीं करते। आप मानते ही नहीं कि आप कोई हैं। आप विधायक देखा, आपने पैर पकड़ लिया। आपने सांसद देखा, आपने पैर पकड़ लिया। ये सब सेवक हैं आपके। इनको आपका पैर छूना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। तो इस पर कहानी है बड़ी छोटी सी जो मुझे बड़ी प्रभावित करती है, डॉक्टर अंबेडकर की। तो लंदन लाइब्रेरी में थे तो खाना तो होता नहीं था, इतना पैसा होता नहीं था कि दोपहर का खाना जाकर बाहर खा लें। तो वही लाइब्रेरी में मेज पे सर रखकर एक पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन पकड़ गए तो लाइब्रेरी से रेस्टिकेट हो गए। जब रेस्टिकेट हुए तब इन्होंने लाइब्रेरियन को अपनी कहानी बताई। पहले नहीं बताई, हम गरीब हैं, ये है। ना ना, डिग्निटी। तुम पूछते हो ना ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा डिग्निटी से आती है। जब तुम अपने आप को कुछ समझते हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम तिरछे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, अहंकार में आ जाओ। ना ना, तुम इंसान हो। यह मानव की सबसे बड़ी कृति है। और इंसान भगवान बनने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है, ये कम है? तो इन्होंने लाइब्रेरियन से ये नहीं कहा मैं गरीब हूं। साहब हमको मौका दे दिए। नहीं, नहीं, नहीं। इन्होंने कहा सर पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो उस जू लाइब्रेरियन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परमिशन फिर से दे दूंगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि तुम अगले कल से हमारे साथ लंच करोगे। जहां चाह वहां राह। जहां बेइज्जती वहां उत्थान। जो भी कहीं परेशान है। जय हिंद।